बहना, रेमो बहना। इसका बहना बहना सुनके मुझे अंदर से लगने लगा है कि मैं बहन ही हूँ। सॉरी। किस लिए? क्योंकि तुम्हें डांटा और फिर इग्नोर किया, इसलिए। अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मान जाओ कि प्यार से बढ़ के कुछ नहीं होता। वो ओके, लव ऑलवेज फर्स्ट। अब खुश? पर प्यार यूं ही थोड़ी ना हो जाता है। आज तक मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं जिससे मैं प्यार कर सकूं, और मुझे किसी ने कभी प्रपोज भी नहीं किया। इसमें मेरी गलती तो नहीं? दिस कांट बी माय मिस्टेक बहना। प्यार कोई खेल नहीं है, इसलिए ये मत भूलो कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है। फिर भी कोई तुमसे अपने प्यार का इजहार करे तो उसे अपनाओगी? नहीं जानती, जब होगा तब देखेंगे। अगर आया तो? आया तो तब का तब देखेंगे। यो अपना भी चानस है। बहना, आज रात को मेरे घर आ जाना। रात को? कल मेरा बर्थडे है, एक फैमिली गेट टुगेदर है, तुम्हें जरूर आना है। ओके? रात को आएगा कहानी में ट्विस्ट। मेरा सौतन लिफ्ट में मिल गया। काटूंगा बेटा, जल्दी तेरा पत्ता काटूंगा। क्यों फोड़ा रे? I love this sound। बेटा तेरा तो बहुत कुछ फटेगा। मेरा फुग्गा। खामखा तकलीफ किया आपने। पकड़ना, मैं आती। एक मिनट। नहीं पापा, मैं देख लूंगी। हाय। हाय काव्य। हाय बहना। हैप्पी बर्थडे। हेलो विश्वा, कैसे हो बेटा? वेलकम वेलकम विश्वा। रेमो बहना के बारे में बताया था ना? ओह स्वीटहार्ट, मेरा एक बहन है कि पास आने से खुशियाँ दब जाती है, इसलिए दूरी मेंटेन रखती हूँ। पापा, रेमो बहना से मिलिए। हेलो रेमो। प्यारे प्यारे पापा। स्टॉप इट। लगता है ठरकी को गंदे गंदे आइडियाज आ रहे हैं, जल्दी से संस्कारी बन जाता हूँ। मेरे पापा तूफान में पतंग के साथ उड़ गए थे, ये सेम पापा जैसे दिखते हैं। वो भी शक्ल से भाजी वाले लगते थे, ऐसी कद्दू जैसी नाक थी। काव्या आओ बेटा, अंदर आ जाओ। अरे चलिए, मैं आती हूँ, जल्दी आना। तो बहना, मेरा गिफ्ट कहाँ है? भूल तो नहीं गई ना? अरे बहना, कहाँ? बहना, यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ कौन सा गिफ्ट है? अकेले में गिफ्ट देना जरूरी था? ये मेरी तरफ से नहीं है, एक लड़के की तरफ से है, खास तुम्हारे लिए। उसने कहा तुम्हें अकेले में दूं, ये लो। लड़के ने भिजवाया? देखो ना इसमें क्या है, खोलो ना डॉक्टर। ये गिफ्ट है? ये सीटी है, इसको ऐसे मुंह में, मतलब मुंह में रखते हैं और भूई ही बजाते हैं। अच्छा, मैं तो जानती ही नहीं थी। जानती हो ना, तो मारो फूक। मैं नहीं बजाऊंगी। बजा के तो देखो क्या होता है।
किसने दिया ये गिफ्ट? क्या पता, मैं तो बीच की बिचौलन हूँ। उसने कहा ये गिफ्ट तुम्हें दे दूँ तो मैं लेकर आ गई। मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें पता कर रहा है तो खुद जाकर नीचे देख लो। ये तो फुल स्पीड में निकली। ओए सेल्फी! ओए, हैप्पी बर्थडे। आज तक लड़कियों से दूर भागता रहा और आज देखो तुम्हें ढूंढने में 27 साल लग गए, इसलिए इजहार करने में 27 सेकंड भी रुक नहीं सकता। तुमसे प्यार करता हूं, शादी करोगी? जवाब की कोई जल्दी नहीं है, दिल से हुज्जत कर लो उसके बाद हां बोल देना। लो भाई, कार्ड्स छप कर आ गए। आरती लीजिए। केटरिंग वाले को 5 लाख एडवांस दे दिया। आजकल केटरिंग सर्विस बहुत महंगी हो गई है। मैं तो कहता हूँ कम है, कौन सी 2-4 बेटियां हैं हमारी। मैं तो कहती हूँ राज केटरिंग सर्विस ट्राई कीजिए, 1000 लोगों के खाने पर आइसक्रीम फ्री देते हैं। अब तुम भी छोड़ो ना, मैं एडवांस दे चुका हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ, जवाब की कोई जल्दी नहीं है, दिल से हुज्जत कर लो उसके बाद हाँ बोल देना। फॉरेन से जो गेस्ट आने वाले उन सबके टिकट्स भी करा दिए हैं। 1-2 दिन में ट्रैवल एजेंट आ जाएगा, मीटिंग कर लेंगे। एयरपोर्ट पिकअप भी तो अरेंज करना होगा। न्यूजीलैंड वाली बुआ जी भी आ जाती तो अच्छा होता। देखो बात तो की है, शायद आ जाए। एक बार फिर कॉल करता हूं। ज्यादा सोचोगी ना तो गाल पे पिंपल आ जाएंगे। जरा पता तो करूं इसके मन में चल क्या रहा है। कान पे तो लगाओ। तो आखिरकार इसे प्यार हो ही गया। ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम्हारी आंखों में साफ साफ लिखा है। ऐसा क्या पढ़ लिया? 2.5 अक्षर प्रेम के उस सीटी वाले के लिए। उसकी डेयरिंग इस सगाई की रिंग पर भारी पड़ेगी। जाओ जाके अपना काम करो। बढ़िया ही मेरी आंखें पढ़ने वाली। नैंसी, काव्य आंटी की मंगनी टूटेगी या नहीं? टूटेगी अगर तुम मुझे अभी मैजिक दिखाओगी तो। सिद्धार्थ से तुम्हारी दोस्ती हुई क्या? अभी नहीं। हाँ, तो जब दोस्ती हो जाएगी तब जादू दिखाऊंगी। ओके। लो, अब चेहरे पे भी साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हें लवेरिया हो गया डॉक्टर। ओ,
हेलो। हाँ, बोलने के लिए और कितना टाइम चाहिए? सुनो, इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो शाम को बस में मिलते हैं। सवाल ही नहीं। तुम आओगी और हम मिलेंगे। बाय। हेलो हेलो, एक बात बोलना भूल गया, आई लव यू। आई लव यू। बस में आएगी या रिक्शा से जाएगी? हेड्स आ गया, इसका मतलब कि बस में आएगी। यस। किससे बात कर रही थी? अपने थके हुए शरीर से। दोनों मिलकर स्पा का प्लान बना रहे हैं। वेरी गुड, एक काम करो, मेरे साथ बस में चलो। बस में नहीं। नो नो नो, मुझे याद आया, एक जरूरी काम करना है। ऐसा क्या काम है? क्या काम है वो तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, सीरियल देखना है। कंचना भी कभी बहू थी। आज के एपिसोड में ना कंचना अपनी सास को रंगे हाथों पकड़ेगी वॉचमैन कांचा के साथ। नेपाल स्पेशल एपिसोड है। मेरी रसमलाई, देखो तुम नाराज मत होना, आज बस में आना मेरे बस में नहीं है। कल बस में होगा तो बस में आ जाऊंगी, फिर बस क्या है। बहानेबाजी बंद करो और सीधा मेरे साथ चलो। आके सुई लगा चलो। देखो मैं अगले स्टॉप पे उतरने वाली हूँ। इतनी क्या जल्दी है? क्योंकि टाइम लगेगा। स्टॉप आ गया, जाने दो ना, नहीं तो केबल का पैसा वेस्ट हो जाएगा। बस करो, बैठ जाओ। क्या करूं? हाँ? ये तो मुझे ही ढूंढ रही है। वो देखो, 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 देखो। चले चले चले, मस्त इमली वाली चटनी डलवा के लाती हो, मजे से खाएंगे, बहुत मजा आएगा। कड़क कहेंगी, यहीं बैठी रहो।